नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए 100 तरीके अपना चुके हैं, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर एक देवता का हाथ है जो आपके पूरे घर की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर पूरी तरह से आधारित है और 100% सटीक, 100% सच भविष्यवाणी बताई गई है। बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इसे बार बार वीडियो नहीं बनती है, तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वह देवता है जो आपको बार बार मुसीबतों से बचा रहे हैं। उन देवता की वजह से आज आप पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि महादेव ही वह देवता है जिनकी कृपा से आप हंस खेल रहे हैं। आज आप जीवित हैं, आज आप हंस रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए ध्यान से सुनिए महादेव का आशीर्वाद। दोस्तों, वर्षों से आपके ऊपर बना हुआ है और यही वह देवता है जो आपको दोस्तों हर एक मुसीबत से बचा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा भेजा गया नाग, भेजा गया सांप आपके घर में वास करता है और इन्हीं की वजह से किसी की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ सकती। आपको बता दे कि बारी बारी से आपके दुश्मनों को डसने वाला हे महादेव के द्वारा भेजा गया यह सर्प देवता। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके घर में आपको कभी भी नाग देवता गण दिख जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है और ना ही लाठी डंडे से उन पर वार करना है। कभी भी उनको दोस्तों किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचाएं। बहुत से लोग डर जाते हैं और डरकर सांप को चोट पहुंचा देते हैं, मार देते हैं, लेकिन आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप किसी भी सपेरे को बुलाकर या कैसे भी आप उनको धीरे धीरे दोस्तों करके या सपेरे को बुलाकर आप किसी दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर छोड़ सकते हैं, या फिर उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगा दें, उनको दोस्तों नतमस्तक होकर प्रणाम कर लें। वे खुद अपना रास्ता दोस्तों ग्रहण करेंगे। अगर वे आपको दर्शन देते हैं, तो समझ जाइए वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि नाग देवता आजकल आसानी से किसी को दर्शन नहीं देते हैं, और अगर आपको दर्शन दे रहे हैं तो समझ जाइए उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा थी, और अब और ज्यादा इनकी कृपा आपके ऊपर बिखर रही है और महादेव भी आपको दोस्त दर्शन देने आए हैं, समझ जाइएगा। आपको बता दें कि ऐसी कृपा तो हर किसी के ऊपर नहीं बनती है, इसलिए आपके ऊपर अगर ऐसी कृपा बनी है तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली इंसान बने हैं और आपके ही कर्मों का यह दोस्तों फायदा आपको मिल रहा है। साथ ही नाग देवता के अलावा दोस्तों जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, वे भी हमारे घर में किसी भी रूप में अवश्य पधार जाते हैं। दोस्तों, कुल देवी देवता किसी न किसी रूप में हमारे घर में जरूर रहते हैं, फिर चाहे वे नाग देवता के रूप में भी क्यों ना हो। अगर हमारे घर में कोई नाग देवता है, तो हो सकता है कि वे हमारे कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। हमारे कुल देवी देवताओं की भी दृष्टि हमारे ऊपर सुखद बनी रहे, इसके लिए भी हमें दोस्तों नाग देवता को अवश्य हमेशा उनको दोस्तों जब भी जहां भी आपको दिख जाए प्रणाम करें, नतमस्तक होकर उनको कोई भी क्षति आपको नहीं पहुंचाना है। दोस्तों, आप लोग बहुत ही दयालु हैं, आपके जैसा दयालु वाहन और कोई नहीं है। आपकी जो कुंडली भाव है, उसमें भी दया भर भर कर दोस्तों पड़ी रहती है। भले ही लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपके प्यार को नहीं समझता है कोई भी, लेकिन भगवान सब जानता है कि आप कैसे हो। भगवान जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। भले ही इस कलयुग में आपका फायदा उठा रही है पूरी दुनिया, लेकिन वह ऊपर वाला देख रहा है जो समय आने पर आपके दुश्मनों से आपका हिसाब जरूर लेगा। जिस जिसने आपका फायदा उठाया है दोस्तों, उसका फायदा दोस्तों घाटे में बदलेगा और उससे बदला जरूर लेगा। ऊपर वाला वह महादेव और आपके कुल देवी देवता। इसलिए कभी भी यह ना सोचे कि उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी उसके साथ गलत करूं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देख रहा है तो वह ऊपर वाला हमेशा आपको देख रहा है। वह दोस्तों ध्यान रखना, केट का जवाब पत्थर से देता है। कुछ लोग दोस्तों आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो कुछ लोग आपके दोस्त जानने के बाद आपकी बुराई करते हैं। भले ही आपके अपने आपके अपने ना हुए, भले ही दोस्तों दुनिया वालों ने आपको बहुत सताया है, भले ही आज आपको दुनिया भर का सुख नहीं मिल रहा है, भले ही आज आपके जीवन में धन की कमी है, भले ही आज आपके जीवन में आपके अपनों की कमी है, लेकिन आपके ऊपर इन देवता का हाथ है, तो समझ जाइए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आने वाले समय में आपको आपकी हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा और महादेव आपक हर एक चीज देने वाले हैं, जिसके लिए आप तड़पे हो, जिसके लिए आप रोए हो, जिसके लिए आप गिड़ गिड़ाए हो, जिसके लिए आपने मन मारा है। आपको महादेव हर एक चीज देंगे, बस आपको अपने दोस्तों कर्मों से पीछे नहीं हटना है। आप जो कर रहे हो वह करते रहो,
जो अच्छे काम कर रहे हो वह करते रहो। लोग कहते हैं कि यह कलयुग है, इसमें किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। यह दुनिया यही कहती है कि कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं, लेकिन भगवान सब देख रहा है। उसके सामने किसी की नहीं चलती है। भले आज आप किसी का बुरा कर रहे हो, आज आप अपने भले के लिए किसी को नीचे गिरा रहे हो, तो दोस्तों एक दिन वह भी आएगा जब जिसने आपको नीचे गिराया, वह जिसने आपको नीचे गिराया है और वह खुद उठा है, वह ऐसा गिरेगा कि दोस्तों कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी किसी को नीचे मत गिराना। दोस्तों, आपका नाम लोगों के दिलों में बसा रहेगा। ऐसा अब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप हर एक काम बहुत ही लगन से करेंगे, बहुत ही उत्साह से करेंगे, क्योंकि इन देवताओं का हाथ आपको अगर मिल गया तो समझ जाइए जीवन में आपको किसी का हाथ नहीं पकड़ डेडना पड़ेगा, बल्कि लोग भाग आपके पास आएंगे, गिड़गिड़ा आएंगे। आपके साथ रहने के लिए तो बस तैयार हो जाइए और महादेव की भक्ति में लग जाइए, क्योंकि जिसने महादेव की भक्ति कर ली उसका जीवन तो सार्थक हो ही गया। समझो, शादी जिसने बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति कर ली तो समझ जाइए कि उसको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी डेगी। बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति में लग जाइए, क्योंकि कलयुग के हारे के सहारे हैं। अगर आप अपने जीवन में हारे हुए हो, आपके अपने आप को छोड़ कर चले जा चुके हैं, आपकी बुरी हालातों ने आपको सबसे अकेला खड़ा कर दिया है, तो घबराइए मत। खाटू वाला एक ऐसा देवता है जो हारे का सहारा है, जिसका कोई नहीं वह उसका सहारा है। तो बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति में लग जाइए, आपके सारे हर एक काम बनेंगे जैसे कि साफ हो गए। दोस्तों, ध्यान से सुने, आप जो बताने वाले हैं साफ हो गया साथ ही साथ कुत्ता है, साथ ही साथ दोस्तों कोई छोटी बच्ची है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा वृद्ध इंसान है, व्यक्ति है, इन सभी में दोस्तों देवी देवता आसानी से आ सकते हैं आपको दर्शन देने। इसलिए कभी आपके द्वार पर अगर छोटी बच्ची आए तो उसका सम्मान करें, कोई वृद्ध इंसान उसका सम्मान करे, कोई बिल्ली अगर आ जाए तो उसको यह ना सोचे कि ये मेरा दूध पी जाएगी, नुकसान कर जाएगी, या कभी भी सांप आता है तो उससे डरकर घबराए नहीं और ना ही उस ओ कोई क्षति पहुंचाए। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि यह किसी भी रूप में आ सकते हैं। देवता आपके घर के कुल देवी देवता भी आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, और अगर इनके दर्शन आपको मिल गए तो समझ जाइए आपको जीवन में कभी भी रोना नहीं पड़ी ढेगा, आपके जीवन का हर एक सुख आपको मिलेगा। तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बाबा महादेव आपको हर एक सुख देंगे। प्रत्येक सोमवार के दिन सुबह सुबह उठिए, महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाए नित्य होकर, दोस्तों कर्म करिए, महादेव आपके हर एक दुख दर्द दूर करेंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जैसे हमारे परिवार वाले का हाथ होता है, हमारे अपनों का हाथ होता है, हमारे अपने हमारा साथ देते हैं, वैसे ही देवी देवताओं की दोस्त छतरी, वह भी बहुत बड़ी होती है। उनकी छतरी के नीचे ही हम रहते हैं, और उनकी छतरी के नीचे आज हम हैं, तभी आज हम सुरक्षित हैं। कितनी ही बार आपके सर पर काल मंडराया है, परंतु इन देवताओं के कारण, जो यह तीन देवता, इन देवताओं के कारण आपको आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था कि हर एक कोने की पूजा की जाती थी घर के। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब भी सुबह की पूजा खत्म हो, उसके बाद धूप या दीप घर के हर कोने में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के हर कोने में देवता निवास करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी घर की हर दिशा किसी न किसी देवता को समर्पित होती है। अगर उस दिशा में उनसे संबंधित चीजें या यंत्र रखे जाएं, तो सकारात्मक और तरक्की मिलती है, घर की बाधाएं दूर होती है। वास्तुशास्त्र में एनर्जी को महत्व दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले दिशा है पूर्व दिशा। दोस्तों, पूर्व दिशा बहुत ही बड़ी दिशा है, यानी कि बहुत ही महत्व वाली दिशा है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की जो पूर्व दिशा होती है, इंद्र और सूर्य देव का निवास माना जाता है। घर की पूर्व दिशा में सूर्य देव का निवास और साथ ही इंद्र देव का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिशा को हमेशा खाली रखना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि के लिए यह जो दिशा है बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, तो इस दिशा को हमेशा खाली रखिएगा, यानी कि पूर्व दिशा में कोई भी सामान मत रखिएगा। दीवाल के सहारे इस जगह पर सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए। पूर्व दिशा में जैसे ही सूर्य सुबह सुबह उगता है, उस सूर्य की किरणें आपके घर में जरूर गिरनी चाहिए। यह तो आप दोस्तों, आपका जो घर है पूर्व दिशा में है तो ठीक, अच्छी बातें नहीं भी है तो आप कैसे ना इससे सूर्य की किरणें या तो छत से अपने घर में प्रवेश करवाएं या तो जाली वगैरह लगवा दें। नहीं भी आती है तो किसी ना किसी अपने घर में सूर्य की किरणें जरूर लाएं इस दिशा में।
इस जगह पर सूर्य की रोशनी अगर आ गई तो समझिए घर में सुख शांति जरूर रहेगी। अब दोस्तों, सूर्य देव और इंद्र देव इस दिशा में वास करते हैं, इसलिए आपको सूर्य देव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आप दोस्तों जब भी अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी घर में पूजा स्थल पर, तो दोस्तों जब भी दीपक अगरबत्ती लगाएं तो उस दिशा में भी ओम सूर्याय नमः, ओम इंद्रा नमः, इस तरह से मंत्र उच्चारण करके अगरबत्ती अवश्य लगाएं। इससे देवता खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सूर्य देवता तो दोस्तों सुख समृद्धि के दाता है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होगा, लद्दाई झगड़े घर के सदस्यों के बीच में नहीं होंगे। घर की जो संतान है दोस्तों, वह भी बहुत अच्छी संगत में जाएगी। अगली दिशा है पश्चिम दिशा। दोस्तों पश्चिम दिशा यानी कि वरुण देव का निवास। दोस्तों इस पश्चिम दिशा में वरुण देव का निवास होता है। इस दिशा में बाथरूम या फिर किचन बनवाना सही रहता है। पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं शनि ग्रह होते हैं, इसलिए इस दिशा में आप लोगों को बाथरूम या किचन बनवाएं तो अच्छा रहेगा। जो घर की पश्चिम दिशा होती है उसका वरुण देवता है, आधिपत्य होता है। इसके अलावा किसी स्थान में पश्चिम दिशा में शनि देवता भी आधिपत्य होते हैं। ऐसे में अगर पश्चिम दिशा में वास्तु संबंधित कोई दोष होता है तो जातक को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में शनि का प्रभाव होने के कारण इस दिशा में बैठकर कार्य करना निषेध माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बैठकर कभी भी कोई भी कार्य मत करो, क्योंकि इस दिशा में शनि का आधिपत्य होता है। इस दिशा में बैठना और सोना दोनों ही वर्जित माना जाता है। पश्चिम दिशा में मुंह करके कार्य मत करो। पश्चिम दिशा में सोना बिल्कुल भी मना है, वरना मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। वास्तु के नियम के मुताबिक पश्चिम दिशा की जो ऊंचाई घर के दूसरे हिस्सों से कभी कम नहीं होनी चाहिए। घर में इस वास्तु दोष के होने पर व्यक्ति सांस से संबंधित कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इस दोष के कारण बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम दिशा में भूलकर भी चन नहीं बनाना चाहिए। इससे बीमारियां और आर्थिक परेशानियां दोनों का सामना करना पड़ता है। जब भी आप अगरबत्ती दीपक लगाएं तो दोस्तों शनि देव को याद करके इस दिशा में भी अगरबत्ती का धूप अवश्य लगाएगा। जब भी आप धूप ध्यान करें तो अगरबत्ती या फिर धूप को इस पश्चिम दिशा में भी अवश्य करिएगा। अगली दिशा है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा यानी कि घर की जो उत्तर दिशा होती है, इसमें कुबेर देव का निवास होता है। इसे धन लाभ की दिशा भी मानी जाती है। इस दिशा में अलमारी तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसी देव दिशा में दोस्तों कुबेर और धन लक्ष्मी दोनों निवास करती है। इससे धन में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह है बुध ग्रह, जिसके कारण दोस्तों इस दिशा में खूब पैसा होता है। तो आप दोस्तों इस दिशा में तिजोरी रखिए, उसमें कुबेर देव को बिठाए, उनकी पूजा अर्चना जरूर करिए। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, बल्कि धन रखने की जगह कम पड़ जाएगी। दक्षिण दिशा की अगर बात करें तो दोस्तों दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वह है यमराज, मृत्यु के देवता है। इस दिशा को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। इस दिशा को, इस जगह को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में आप कुछ भी बाहरी सामान जरूर रखें। दक्षिण दिशा में कभी भी दोस्तों खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई सामान जरूर रखा जाए। इस दिशा को दोस्तों यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए खाली बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ईशान कोण की। घर के उत्तर और पूर्व दिशा के कोण को, यानी कि उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं ईशान कोण। इस दिशा के अधिपति भगवान शिव है और स्वामी ग्रह गुरु है। मान्यता है कि ईशान कोण में पूजा घर बनवाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिशा में मंदिर होने से जल्द ही तरक्की मिलती है और जिंदगी में सारी बाधाएं दूर होती है। तो आज ही ईशान दिशा में मंदिर बनवाएं, अन्यथा दोस्तों आप चाहे तो मंदिर नहीं बनवा सकते, तो किसी भी देवता की उस दिशा में स्थापना कर दें, क्योंकि यह जो ईशान कोण है आपके घर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लिख कर रख लेना वायव्य कोण। दोस्तों वायव्य कोण घर के पश्चिम उत्तर दिशा के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण के देवता वायुदेव होते हैं। ज्योतिष के अनुसार वायव्य कोण में स्टोर रूम, बाथरूम आदि बनवाना चाहिए। चंद्रमा इस दिशा का स्वामी ग्रह है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुनः दोहराते हैं कि पश्चिम दिशा में शुरू से बोलें तो अगर पूर्व दिशा है तो दोस्तों इंद्र और सूर्य देव, पूर्व में इंद्र और सूर्य देव, उनकी पूजा अर्चना करो। पश्चिम में दोस्त वरुण देव है, उत्तर में दोस्तों कुबेर देव है, दक्षिण में यमराज जी है
ईशान कोण में। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, सभी देवता वास करते हैं, शिव इनके अधिपति होते हैं, स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। वायव्य कोण में दोस्तों वायुदेव निवास करते हैं। तो दोस्तों इन चीजों के अनुसार आप अपने घर के इन देवताओं को प्रसन्न करिए, क्योंकि आपके घर के हर एक दिशा में बहुत सारे देवता वास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में देवी देवताओं की बहुत कृपा रहे, घर में कोई भी दोस्त बीमार ना हो, तो हर एक दिशा की पूजा अर्चना करिए। धन्यवाद।